इंग्लैंड ने आज किया उसे इंग्लैंड दोबारा ना करे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जीतने के लिए तो आए, हम हार भी रिस्क ले लेते हैं। वो होता है ना कभी कभी आपको बड़ी बाजी जीतने के लिए हार का रिस्क लेना पड़ता है, वो इंग्लैंड ने लिया जब उन्होंने 342 रनों पर कहा पाकिस्तान को आइए चेज कीजिए 342 रन। तो पाकिस्तान के पास मतलब तकरीबन चार सेशन थे। आमतौर पर कोई भी कप्तान हो इस तरह की बेजान विकेट पे, जहां पर पहले दो दिन तीन दिन सिर्फ बात ये हो रही थी कि इतनी बेजान विकेट है, आपने रोड रोलर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले वीडियो आगे देखने से पहले बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना है, बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना है ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो का है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था और पाकिस्तान हैज यूजुअल जो है पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज हारा, तीन टेस्ट एक हारा, और आप इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हम अपने होम ग्राउंड में हार रहे हैं। हम कहीं इंग्लैंड में नहीं हार रहे, शारजा दुबई में हम जीतते रहे, इंग्लैंड के खिलाफ जीतते रहे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीतते रहे। तो हम एज यूजुअल डे फाइव चौथे दिन बाबर आजम आउट हो गए, जो पाकिस्तान की विकेट थी वही बात थी कि एक बाबर आजम की बैटिंग की जरूरत थी। 350 इस विकेट पे इस कंडीशन में आपका होम ग्राउंड होम ग्राउंड आपकी विकेट्स के ऊपर कुछ मुश्किल स्कोर नहीं था 350। लेकिन एज यूजुअल डिफेंसिव मैच को ड्रॉ करने की तरफ गए, बाबर आजम आते ही आउट हो गए, कोई स्कोर नहीं, सिर्फ चार रन बना के आउट हो गए। अब्दुल्ला शफी ये गैर जिम्मेदार बनाना शॉट मारते हुए वो भी आउट हो गए। फिर पांचवा दिन आया, एज यूजुअल जो है जो हमारी एक्सपायरी डेट है जो हमें बरकत के लिए रखा हुआ है अजहर अली, कुछ भी उन्होंने नहीं किया, इमाम ने भी कुछ नहीं किया। कहने मकसद है जब विकेट में रुकते थे हाँ यार लगता था यार अब मैच हाथ में आ गया। टी टाइम के बाद 100 के करीब स्कोर 90 या 95 स्कोर चाहिए था टी टाइम के बाद, लेकिन पूरी की पूरी बैटिंग ही क्लिक हो गई क्योंकि हमने रेलू कट्टे चार प्लेयरों को डेब्यू करा दिया। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है, अंदाजा लगा चार प्लेयरों को हमने डेब्यू कराया हुआ है, हमारी तैयारी इंग्लैंड के खिलाफ ये है। बॉलिंग स्पिनर बॉलर ओ माय गॉड स्पिन पे यहाँ पर यासिर शाह को होना चाहिए था या शताब को होना चाहिए था या नुमान अली को होना चाहिए था, वो नहीं थे। नवाज को इन्होंने बाहर बैठ के आराम कराया, बैठो आराम करो। और बाबर आजम की कप्तानी डिफेंसिव थी और वो देखें उनका जो कप्तान है इंग्लैंड का क्या बात है उनके कप्तान की। उन्होंने लेग पे तीन तीन फील्डर पांच पांच फील्डर लेके शॉर्ट पिच बॉलों में इन स्विंग बॉलों में कैसे पाकिस्तानियों को फंसाया। तो कैप्टनशिप का ब्रेन का बहुत फर्क आ रहा है। एक है अग्रेसिव कि हाँ हमने जीतना है, उसने 350 रन दिए, मैंने कहा ये स्कोर बहुत ईजी है इस विकेट पर, लेकिन उन्होंने कहा आर या पार हम जीतने आए, हारेंगे या हम जीतेंगे, उन्होंने साबित किया। अगर पाकिस्तान खेल रहा हो तो कभी भी 350 रन की लीड में डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि हमारा जो कैप्टनसी का माइंड है वो डिफेंसिव है, डिफेंसिव है, वो कोई अग्रेसिव नहीं है। वही इन्होंने तो चेस करने की कोशिश भी नहीं की, कहीं मुझे दिखा नहीं कि ये स्कोर चेस करने के लिए जा रहे हैं। तो एज यूजुअल पाकिस्तान मैच हार गया और बाबर आजम ने पहले मैच में सेंचुरी मारी, गुड खेला। मैंने पहले व्लॉग में बता दिया था या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान के ऊपर ये मैच फंस जाएगा, और फंसा नहीं बल्कि पाकिस्तान मैच हार गया। अब सेकंड टेस्ट मैच आई थिंक के मुल्तान में, अब देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मैं फिर हार बोलूंगा कि जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में जो चेंज होनी चाहिए, अजहर अली को रेस्ट करा के रेस्ट कराना चाहिए और शाह मसूद को टीम में लाना चाहिए। शदाब का तो टेस्ट स्क्वाड में नाम नहीं है तो नवाज को भी टीम में डालना चाहिए। नुमान अली का अगर नाम है उनको टीम में डाला जाए, हसन अली को और नसीम शाह की जोड़ी बनाई जाए ताकि आपके जब छः आउट होते हैं तो वो रेलू कट्टे टाइप के आ जाते हैं, ना बॉलिंग में कुछ करते हैं ना बैटिंग में कुछ करते हैं। तो ये पाकिस्तान की इस तरह की लाइनअप बननी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होना। चीफ सेलेक्टर आपका डिफेंसिव, आप रमी साजा आपका बैट्समैन, चीफ सेलेक्टर बैट्समैन आपका कप्तान बैट्समैन, बॉलर तो है नहीं क्योंकि जो अग्रेसिव क्रिकेट जो पाकिस्तान में अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती थी पाकिस्तान में वो खत्म हो गई है। अब डिफेंसिव क्रिकेट होती है, मैच ड्रॉ करना है या कोई प्लेट में रख के आपको मैच दे दे। और दूसरी बाबर आजम साहब टॉस हारने के मास्टर हैं, हर दफ़ा सबको पता है कि चौथी बैटिंग करना पाकिस्तान की कंडीशन में फोर्थ इनिंग और पांचवा दिन हो तो विकेट में वाकई फ़र्क तो पड़ता है, गेम स्विंग भी होता है और गेम विकेट बैट पे भी नहीं आ रहा होता। तो ये टॉस हार जाते हैं, ये अभी से नहीं हार रही है, टेस्ट सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की हुई थी उसमें भी ये टॉस हार रहे थे और इसमें भी टॉस हार गए। तो बाबर आजम साहब आपकी कप्तानी जब उन्होंने एक दिन में जब इतना बड़ा स्कोर मार दिया था, दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया था, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या कि आपकी ब्रेन जो कैप्टनसी है वो मुझे जो है वो तो पूरी पाकिस्तान आपके ऊपर तनकीद करे। नो डाउट यू आर वेरी गुड बैट्समैन, बट आपकी कैप्टनसी जो है वो उस कैलिपर की नहीं है अगर हम कंपैरिजन करें इंग्लैंड के कैप्टन के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड टेस्ट मैच है मुल्तान में क्या होता है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा देखें अगर इसी अप्रोच के साथ जाना है तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान टेस्ट भी जो है वो इंग्लैंड ही की ग्रिप मजबूत होगी, और इन्हीं बॉलरों के साथ अगर जाना है तो इंग्लैंड ही की ग्रिप जो है वो मजबूत होगी। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।